वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम मिशाल और आप देख रहे हैं मिशाल फूड सीकर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। पोटैटो क्रिस्पी की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम ये रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने बॉयल किए हुए आलू डालने हैं तकरीबन तीन से चार। उन आलूओं को अब हमने बॉयल करना है इसे। अगर बड़े आलू हैं आपके तो आप तीन ले लें, अगर छोटे हैं तो चार ले लें, आप कितनी मर्जी आपसे मर्जी आलू लें। इसके बाद हम इसे मैश करेंगे अच्छे तरीके से। आलू आपके गर्म होने आलू आपके ठंडे होने चाहिए और सही अच्छे तरीके से जो है वो गले हों। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अंदाजे से भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कम हो सकता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, टू टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान से मिक्स करना है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं, बना के बच्चों को भी खिला सकते हैं। घर में कुछ ना हो बनाने के लिए तो फिर ये तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग झटपट बना सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। जैसे ये हो गया है मिक्स, अब हम इसके रोल बनाएंगे। इसको हम साइड से ऐसे कट कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हम ये बाकी ऐसे रोल बना लेंगे जैसे हम ये मैंने बनाए हैं। अब हमने जो है ये पोटैटो रोल्स बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम पे आप लोगों ने फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है आप लोगों ने। हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे जो है गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है क्रिस्पी पोटैटो रोल्स इसमें फिर हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार होंगे, आप लोग भी ट्राई करना है। और फिर अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखें। अगर अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब हम इसके अंदर रोल ऐड करेंगे। आप लोगों ने जो है इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई पे नहीं कर देना, जल जाएंगे वरना ये। और ध्यान से डालना है, आप लोगों ने अपने हाथ वगैरह नहीं जला देना, सारे डालेंगे ऐसे। अच्छे तरीके से इसको पकाना है आप लोगों ने। हमारे जो ये कबाब क्रिस्पी आलू के जो रोल थे वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे और फिर आप लोग जो है बार बार बना कर खाएँगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छे लगे तो अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इसके लिए खुदा हाफिज़।